ये देखें जनाब, ये बटरफ्लाई जो है ना, ये रात से कहीं हमारे कमरे में आई हुई है। अब पता नहीं ये कहाँ से आई है, और रात को इसने बहुत तंग किया है। लाइट सारी ऑफ होती हैं, लेकिन जैसे ही मेरे सेल की लाइट ऑन होती थी, कभी ये मुंह पर आके बैठ रही थी, कभी ये हाथ पे आके बैठ रही थी, और मैं एकदम से इतना डर गई थी। अब देखती हूँ इसको कैसे बाहर निकालूँ। एज यूजुअल लिफ्ट के अंदर ब्लॉग बनाते हुए मियां भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हांस इन ओमान एंड वेलकम बैक टू एन अदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं जी ऑपोजिट साइड से, क्योंकि हम जा रहे हैं सुल्तान सेंटर इंशाल्लाह। टाइम हो चुका है 9:33, 9:30 से ऊपर थोड़ा सा, और थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी अभी तकरीबन 20-25 मिनट पहले। मेरे मियाँ साहब जो हैं वो माशाल्लाह नमाज़ और तरावियाँ पढ़ के आए हैं, तो मैंने उनको बोला कि आ जाएं, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है इंशाल्लाह। हमने मौसम बड़ा प्यारा है ओमान में, माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और माशाल्लाह मैं दिखाती हूँ, वो देखें, एक चांद ये है और एक चांद ये है। आपको जैसे पहले तो कभी मैंने ऐसे कहा नहीं ना, वो देखें जी, आज मैं आपको दिखा रही हूँ क्लोज़अप में थोड़ा सा। ये वो सारे स्टेडियम्स हैं जिनका मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में जिक्र करती हूँ, और ये बिल्कुल लाइन वाइज हैं, फुटबॉल स्टेडियम्स हैं ये सारे, वो एंड तक फुटबॉल स्टेडियम्स हैं। और वहाँ पर जी आपको सामने वो जो आपको नज़र आ रहा है सारा पोर्शन, यहाँ पर आपको ड्राइविंग सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं आपको ड्राइविंग की, ड्रम स्लोप और सब कुछ यहाँ पे आपको ड्राइविंग की ट्रेनिंग देते हैं। एटीएम जाने पहले नहीं, बाद में। मेरे मियाँ साहब ने ना मेरी पॉकेट मनी पे कब्ज़ा किया हुआ है, पहले एटीएम चलते हैं, एटीएम से निकलवा लेते हैं। अच्छा चलें ठीक है, पहले हम एटीएम जा रहे हैं जी। चलो तो बंद करो। ओके ये जी हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट एटीएम पर। हाँ जी बिल्कुल, सुल्तान सेंटर की बैक साइड पे। मैं आपको दिखा देती लेकिन मेरे मियाँ साहब ने मुझे मना कर दिया, यार खराब तो नहीं एटीएम मशीन, वरना ये वाला एटीएम और हाली हो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आई थिंक परफ्यूम शॉप है, परफ्यूम एंड इतर शॉप, और ये है जी बैंक मस्कत, और साथ इसके है प्लैनेट फार्मेसी। सो वी आर हेयर अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं ओपन है भाई, बंद नहीं है मशीन, अंकल हैं एक अंदर। यार ये आपने मुझे इधर ही पकड़ा दिए, वॉलेट में रखे ना, घर जाके लूंगी इंशाल्लाह। दे दी थी मैंने। नहीं नहीं तो... हाँ तो मैंने इमानत रखवाई है, और इमानत में हयानत नहीं करते, वो भी रमजान में स्पेशली। इमानत की गाली नहीं आई। अच्छा जी कोई नहीं, चलें मैं घर जाके ले लूँगी खुद ही आपके। अच्छा ठीक है ठीक है, बस ठीक है। हाँ जी जी जी, वॉलेट आपका मेरे पास हाई टेबल भी बड़ा होता है। नहीं अब मैं पॉकेट में रखती। ठीक है ठीक है, चलें ठीक है। सही सही, चलिए ठीक है। स्टेटर मुझे लेना था एक, तो ये वाला ब्राउन का जो है ये वाला ले रही हूँ मैं इंशाल्लाह। अच्छा भी हुई जी। मैं आती नहीं पड़ेगा यार, मैंने आती नहीं खाया, बहुत अच्छे। इसकी हीट पेमेंट के बाद चेक होगी, आपने यहाँ पे जो भी मशीनरी लेनी होती है आप पहले उसके लिए पे करते हो, देन वो फिर आपको चेक करवाते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी वैरायटी आई हुई है यार यहाँ पर तो।
यहाँ पे बिलिंग होती है लेकिन उन्होंने वो उतारा है, वो कहते होंगे आप प्राइसलेस हैं। कहते होंगे आप प्राइसलेस हैं जी। ये क्या, अच्छा सॉर्टेड सेरेमिक प्लेट है 550 की। मैंने कहा अगर 550 की 6 या 12 तो मैं तो उठा लूँ फट से। चोर बाजार है। अच्छा मैंने असॉर्टेड अभी बढ़ा है। हमने 4 लीटर ऑयल जो है वो 14 डेज में ख़त्म किया है। एक्सपायरी डेट चेक करने के बाद अब ले लिया हमने योगर्ट। आलू ले लो। अस्तग़फ़िरुल्लाह। We are here for warranty claim and checking. यहाँ से भी वो देखें, बोशर हाइट्स जो है जिसको ये पाकिस्तानी मर्द हजरात स्नेक रोड कहते हैं, क्लियर नज़र आ रहा है। और अच्छा वही सांप वाला रोड। और अल्हम्दुलिल्लाह चुकी है ग्रॉसरी एंड वी आर गोइंग बैक होम इंशाल्लाह। ट्रांसलेट इन टू उर्दू और इन इंग्लिश। सजे खबर नहीं देखते ब्लॉगर, बड़ी मुश्किल है ब्लॉगर दी ना जी। सजे खबर देखते कौन नहीं, जितने दिल करता उतने शुरू हो जाता ब्लॉग। क्योंकि वो अंकल जो है ना वो लिटरली वेट कर रहे थे कि हम लोग रोड क्रॉस करें तो वो लेक गुजरें। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये बेचारे इतने अच्छे जिम वाले बच्चे थे, इतनी इनकी फिजीक फिट थी, बट शादी के बाद मोटा हो गया। ये रेगुलर जिम जाते थे मेरे मियाँ साहब, और इनको देख के अब कौन भरोसा करेगा कि ये बंदा जिम फ्रीक है। और ये हार्ड से हार्ड जिम करते हैं। और जेड़ा मेरे नाल जाएगा उन पता लग जाएगा। आपकी पिक्चर्स किसी दिन शेयर करूंगी मैं, जिम वाली वीडियोस भी हैं आपकी सारी मेरे पास। अच्छा हाँ जी स्टॉप इट। आज हम बनाने लगे हैं जी सफ़ेद चनों का पुलाव। सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑयल, ठीक है। प्याज यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के आते हैं, तो मैं काफ़ी दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि मैंने प्याज जो हैं स्लाइस फॉर्म में कटिंग करके इसमें ऐड किए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है ना डिज़ोल्व नहीं होते। तो इसलिए मैं जब चावल भी अब बनाती हूँ तो मैं उनके अंदर पेस्ट यूज़ करती हूँ प्याजों की। तो आप स्लाइस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनके मैंने पेस्ट बनाई और इसमें ऐड करने लगी हूँ मैं पेस्ट प्याज की। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं इनका पेस्ट बना के मैंने ऐड किया है। इनको करते हैं थोड़ा सा सौते और फिर इसके अंदर इंशाल्लाह हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के हम लोगों ने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, 5 से 6 मैंने लिए हैं लहसुन के टवे, और मैंने लिया है जी अदरक का एक टुकड़ा। अब इंशाल्लाह इसकी हम बनाते हैं पेस्ट। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। हरी मिर्चों का पेस्ट ऑलरेडी है मेरे पास। ये देखें ये हल्के से पिंक हो चुके हैं, अभी इसको थोड़ा सा और कलर में आने दूंगी। आप जब भी चनों का पुलाव बनाते हैं या आप मटर का पुलाव बनाते हैं, उसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होती हैं वो होती है अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। लहसुन भी आप यूज़ करो लेकिन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट तो लाजमी होना चाहिए। तो इस टाइप पर इंशाल्लाह मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर जी ऐड करने लगी हूँ मैं मसाला जात। साबुत गर्म मसालों में मैं ऐड करूँगी ज़ीरा और एक टुकड़ा जो है दालचीनी का। और ऐड करेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक, और ऐड करूँगी इसमें इंशाल्लाह मैं 1/2 टीस्पून रेड पेपर पाउडर, सूख मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं ऐड करूँगी पिसी हुई काली मिर्च। एक ऐड करूँगी मैं इसके अंदर कन्ना और चिकन की ऊप कमाल दिखाए। चिकन स्टॉक इसमें एक ऐड करेंगे हम, मुर्गी का मजा खानों में लाए कनौट। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ही ऐड करने लगी हूँ मैं हरी मिर्चों का पेस्ट, इसलिए जो मैंने है पिसी हुई लाल मिर्च कम ऐड की थी। अब इसको करते हैं इंशाल्लाह हम मिक्स अच्छे से। चूल्हा आपने बिल्कुल मीडियम रखना है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और मसाला अपना रेडी करते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे हम इंशाल्लाह।
मसाला, हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। मसाला रेडी होने की निशानी ये होती है कि जो ऑयल होता है ना वो बबल्स छोड़ने स्टार्ट कर देता है। ऐड करने लगी हूँ वाइट चने, ये मैंने बॉइल्ड टिन वाले चने लिए हैं और ये हैं 400 ग्राम्स। इसको थोड़ा सा पकाते हैं, थोड़ा सा इनको मिक्स करूँगी मैं। चनों को 2 से 3 मिनट मसाले में भूनने के बाद अब इसमें ऐड करने लगी हूँ जी मैं इंशाल्लाह पानी। चावल मेरे पास है यहाँ पे 2.5 कप जो के बनते हैं अराउंड 750 ग्राम, और 2.5 कप ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि ओमान में जितने चावल होते हैं ना उसी क्वांटिटी में आप पानी ऐड करते हो, जबकि पाकिस्तान में जितने चावल होते हैं उसे डबल क्वांटिटी में आप पानी ऐड करते हैं। यहाँ पे पॉलिश्ड राइस होते हैं। पानी ऐड करने के बाद अब इंशाल्लाह इसको एक बॉईल दूंगी और उसके अंदर फिर मैं ऐड करूंगी चावल इंशाल्लाह। अचार आप लोगों ने ऐड करना है जी मसाला भूनते हुए, लेकिन अपने मियाँ साहब से बातें करते करते मैं उस पॉइंट पे ऐड करना भूल गई थी तो फिर मैंने यहाँ पर जी ऐड कर दिया। अब जी इस पॉइंट पे ऐड करने लगी हूँ मैं चावल, और चावलों को हमने जो है अच्छे से धोकर तकरीबन घंटा मैंने भिगोया था। इसको करते हैं जी मिक्स थोड़ा सा, और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। और इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, अगर और आपने ऐड करना हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड किया है और अब इंशाल्लाह मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। आप जब भी चावल बनाया करें कोशिश किया करें कि गरम मसाला वगैरह सबसे एंड पे ऐड किया करें पिसा हुआ। और अब इसको इंशाल्लाह बॉयल आने देते हैं और फिर जब मैं दम लगाऊंगी मैं आपको फिर दिखाती हूँ इंशाल्लाह। इस पॉइंट पर मैं लगाने लगी हूँ जी चावलों को दम मीडियम आंच पर 20 मिनट्स के लिए, तो फिर इंशाल्लाह ये रेडी होते हैं तो आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने फॉइल लगा दिया ताकि हीट जो है इसकी वो बाहर नहीं आए। और यहाँ पर जी मियाँ साहब की फरमाइश पर साथ मैं बना रही हूँ दही भल्ले। क्यों मियाँ साहब? Yes. क्योंकि उनको पुलाव और बिरयानी के साथ दही भल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है। दम खोल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह और ये देखें जी मज़ेदार सहारा चना पुलाव रेडी है। अब इसको इंशाल्लाह जी हम करते हैं डिश आउट और फिर खाते हैं, मजे उड़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चने का पुलाव बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर हैं जी पकौड़ियाँ और साथ मैंने माश की दाल के भल्ले बनाए थे, और वहाँ पर है सैलेड, और ये है मेरे मियाँ साहब। यस, जो भी खाएंगे आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा। नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।